अस्सलाम वालेकुम माई ऑल यूट्यूब व्यूअर्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ दो रेसिपीज शेयर करने के लिए जा रही हूँ। एक ब्रेकफास्ट की है और दूसरी लंच या डिनर की है, और ये दोनों हेल्थी रेसिपीज़ हैं। आप इसे सेम मेथड से फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत आप इन्जॉय करेंगे और बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ हैं। यूजली हम लोगों को ब्रेकफास्ट में समझ नहीं आ रही होती कि हम लोग क्या खाएं क्या करें। एग खाने को वैसे दिल नहीं जाता, और आई मीन पूरे वीक में तो एग नहीं ना खाया जा सकता। तो कुछ इस तरह की रेसिपीज हो जाएं तो काफ़ी इंसान का ब्रेकफास्ट जो है वो अच्छा हो जाता है। यहाँ पे मैंने ओलिव्स लिए हैं और उनके ऊपर मैंने जैतून का तेल डाल दिया है, ओलिव ऑयल डाल दिया है, और ये समून है, ये मैं केयरफोर से लेकर आई थी। आप इसमें कोई भी समून यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस पर है, पर ये केयरफोर से समून मिलते हैं और ये बहुत ही हेल्थी होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं, और ये सस्ते बहुत होते हैं। आई मीन 3 दरम में आपको 6 या 7 पीसेस मिल जाते हैं। तो मैं जब भी केयरफोर जाती हूँ मैं ये ले आती हूँ। लास्ट व्लॉग में जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग मिर्दा सिटी सेंटर गए हुए थे, तो ये मैं लेकर आई थी, तो फिर बनाए। और ये लबने हैं, आप किसी भी ब्रांड के लबने ले सकते हैं या केयरफोर में लबने सेक्शन में जाके आप वहाँ से फ्रेश वाली लबने भी ले सकते हैं। तो दोनों ही अच्छी होती है, फ्रेश वाली ज़्यादा मज़े की होती है। फ्रेश वाली का ये है कि आपको ला के फ़ौरन यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन ये वाली आप 1 या 2 वीक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश वाली आप सिर्फ 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपको उसे फिनिश करना होता है, वरना वो एक्सपायर हो जाती है। तो समून को मैंने कट लगा लिया है, और कट लगा के इसके अंदर मैं समून में लबने लगाऊंगी। आपकी अपनी मर्जी है, कम ज़्यादा जितनी भी आप लगाना चाहते हो। इसके साथ मैंने टमाटर लिए हैं, उसे मैंने कट कर लिया है। कोकम्बर लिया है, मैंने आइसबर्ग लिया है, रोमानिया का जो आइसबर्ग होता है वो लिया है, सलाद का पत्ता, और साथ में पुदीना लिया है मैं, और ऑलिव्स लिए हैं। मैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें रखूंगी, आपकी अपनी चॉइस पर है। आप इसे में बॉयल एग करके उसे मैश्ड करके भी रख सकते हैं, बॉयल एग के स्लाइस करके भी रख सकते हैं, किसी भी तरीके से आप रख सकते हैं। तो काफ़ी मज़े का सैंडविच बन जाता है ब्रेकफास्ट में, और काफ़ी ज़्यादा हेल्थी होता है। और लबने के साथ ऐसी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे लबने बहुत यूज़ की जाती है, ख़ासतौर पे ये ईरानी लोग जो हैं ये उनकी खुराक है। लबने ईरान से है और ईरानी लोग बहुत ज़्यादा लबने खाते हैं, आई मीन उनकी खुराक ही लबने हैं। उन्होंने समून में और बाकी की चीज़ों में लबने लगा कर खानी है। और यहाँ पे एक बेकरी है, अलमुहदार बेकरी उसका नाम है, शायद मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में शेयर किया भी हो। वहाँ पे ये वाले समून तकरीबन वो लोग 2-2 3-3 डोजन वो लेकर जाते हैं समून, और मैं जब भी वहाँ पे जाती हूँ मैं देख के हैरान होती हूँ कि ये लोग इतने ज़्यादा समून का करते क्या हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं कि ये लोग नाश्ते में, दोपहर में, रात में किसी भी कीमे के साथ या कोई भी इनका जो स्नैक होता है उसके साथ ये एज आ रोटी उसे यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग रोटी खाते हैं और वो लोग ये समून यूज़ करते हैं। तो अगर आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा तो लाजिम ट्राई कीजिएगा। अगर आपका केयरफोर जाना होगा तो ये वाले समून लीजिएगा बेकरी सेक्शन से जाकर, और फिर खा के देखिएगा। ये जो दूसरे पैकेट वाले समून आते हैं जैसे लोजीन के आते हैं या गोल्डन बेकरी के आते हैं या इधर उधर के आते हैं, उसकी बनिस्बत ये वाले समून जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्थी और बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो ये मेरा सैंडविच बन गया था, मैंने अपने लिए बनाया था और हस्बैंड के लिए बनाया था, और अब मैं ब्लैक कॉफ़ी के कप के साथ अपना नाश्ता इंजॉय करूँगी। और ये मेथड है इसका, आप लाजिम ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। तो बस नाश्ता करने बैठ गई थी, नाश्ता करने के बाद घर के काम थे। ये सैटरडे का व्लॉग है और कल अपलोड करना था लेकिन कुछ मसरूफियत थी, नहीं कर सकी, नहीं हो सका, तो आज कर दिया। फ्राइडे से अगले दिन ये होता है कि लॉन्ड्री कर ली जाए। अभी मैंने मशीन में जो है वो कपड़े डाल दिए हैं, और साथ साथ कपड़े धुलेंगे, साथ साथ मैं बाकी का काम कर लूँगी। क्लिनिंग, होम क्लिनिंग की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं वीकेंड पर अपने घर को साफ़ कर लेती हूँ, थर्सडे को मैं अपने घर को साफ़ कर लेती हूँ। फिर ये होता है कि फ्राइडे होता है ना तो आपका छुट्टी का दिन होता है, आई मीन हम लेडीज़ का तो फिर भी नहीं होता, हम लोगों ने फिर भी खाना वाना बनाना होता है, नाश्ता करना होता है, लेकिन यह कि हस्बैंड लोग घर में होते हैं तो घर साफ़ सुथरा रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक जो है वो कपड़े डाल दिए थे, और 3-4 थे मेरे कपड़े, मतलब कि जो मैंने डालने थे,
और यहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ग्रोसरी, और ये भी मैं बेकरी से लेकर आई थी। ग्रोसरी शेयर करती हूँ। ग्रोसरी तकरीबन सब लोगों की सेम ही होती है, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी होती है कि वो बहुत सारी चीज़ें मतलब यूज़ नहीं करते, तो फिर ऐसे एक दूसरे को देख के तो आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ कैसी है, तो फिर इंसान सोचता है कि चलो ये चीज़ के बारे में मैंने सुना है तो नेक्स्ट मैं भी ये यूज़ करूँगी। ये क्रीम चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको लबने दिखाई है उसी तरह की ये क्रीम चीज़ है अलसाफ़ी की, बहुत अच्छी होती है। और ये है सिनोरा के बीफ कबाब हैं, आप बिलीव करें आप ये लाजिम ट्राई कीजिएगा। ये इतने मज़े के होते हैं और इतने सस्ते होते हैं, आई थिंक 10 या 12 दरम का ये डब्बा है, इसमें 10 पीसेस होते हैं, और ये ऐसे है होते हैं कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं। तो हमने ये अचानक ही उठाए थे, लेकिन जब से हम लोगों ने ये खाने शुरू किए हैं तो मैं लाजिम केयरफोर से लेकर आती हूँ। उसके अलावा ये मैंने कब्सा मसाला लिया था, ये मैं अपने बेटे को राइस बनाने में यूज़ करती हूँ। और ये थे हेल्थी लिविंग वाले जूस लखनऊ के, ये भी अच्छे और मज़े के होते हैं। और साथ में ये क्रोसन ख़त्म हो गए थे, ये एप्पल सिनेमन वाले क्रोसन लेकर आई थी, और साथ में चॉकलेट थी ये बाउंटी की, और कुछ एक दो दालें ख़त्म थी वो लिए थे, मसल लिए थे, चना की दाल ली थी, और अपने बेटे के कॉर्न लिए थे, और बस इसी तरह की दो चार चीज़ें मैंने ली थी। बहुत लंबी शॉपिंग नहीं की थी, वैसे भी मंथ का एंड है तो बस दो चार चीज़ें जो ख़त्म हो चुकी थी बस वही ली थी। उसमें टमाटो पेस्ट मैंने ली थी और बस, और क्रोसन लिए थे, वो जो क्रोसन पहले मैंने दिखाए हैं वो क्रोसन जो हैं वो कस्टर्ड और बटर और कस्टर्ड के क्रोसन होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मज़े के और अच्छे होते हैं। उसके अलावा हम जा रहे थे तो हमने देखा ये द बॉक्स है, आई थिंक अजमान सिटी सेंटर में भी है, मिर्दफ में भी है, और अजमान में इनका आउटलेट भी है हमारे घर के पास ही। तो यहाँ पे सॉक्स लगी हुई थी, ये आई थिंक 19 दरम की सॉक्स लगी थी स्केचर्स की, ये पहले जो थी वो 50 दरम की थी और मुझे मिली ये 19 दरम की। बहुत ही अच्छी हैं स्केचर्स की सॉक्स, आपको इतने की मिल जाएँ तो वेल एंड गुड है, क्योंकि स्केचर्स काफ़ी अच्छा ब्रांड है, इनके शूज़ बहुत अच्छे होते हैं और इनकी सॉक्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। आई मीन आप नॉर्मली सॉक्स लेके पहनो तो उसमें गुड़ आ जाती है, वो ख़राब हो जाती है और स्मेल ही होते हैं, लेकिन स्केचर्स की जो शूज़ और जो इसकी सॉक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा आला हैं, बहुत ही ज़्यादा कमाल है, और इतनी सस्ती कभी मिलती नहीं है, लेकिन मुझे मिल गई थी। मुझे याद नहीं है, पता नहीं, ये 19 दरम की आई थिंक 3 पेयर मिले थे, तो ये मैंने ले ली। और उसके बाद अभी हो गया है डिनर का टाइम, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं डिनर में क्या बनाने के लिए जा रही हूँ। ये भी एक हेल्थी ऑप्शन है, एक हेल्थी रेसिपी है, ये भी सिनोरा के मीट बॉल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको सिनोरा के कबाब से दिखाए हैं, ये सिनोरा के मीट बॉल्स हैं। मैं ये लाजिम लेकर आती हूँ जब भी केयरफोर में जाती हूँ। एक तो ये है कि इनके प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होते, आप यूजली खुद कीमा लेकर बनाओगे तो इतने ही नहीं बनते और ऐसा टेस्ट भी नहीं आता, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं। मैंने जब से ये ट्राई करने शुरू किए हैं ना तो लाइफ ईजी हो गई है। और उसके अलावा मैं यहाँ पर बना रही हूँ स्पैगेटी, मीट बॉल स्पैगेटी बना रही हूँ। उसमें मैंने स्पैगेटी बॉयल करके उसमें पानी चला के ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कर लिया था। उसके अलावा ये चीज़ें थी मैं इसके अंदर डालूंगी। अभी मैंने जो है मीट बॉल्स को फ्राई कर लिया है, शैलो फ्राई करके मैंने इसे साइड पे रख लिया, और अभी मैं इसका मसाला बनाऊंगी। मीट बॉल स्पैगेटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और मज़े की बनती है और बहुत ही इजी रेसिपी है, इजी पीजी सी रेसिपी, आप जल्दी से बना सकते हो, आप इसे लंच में भी बना सकते हो, आप इसे डिनर में भी बना सकते हो, इवन के बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक से ये रेसिपी खाते हैं। मेरा बेटा भी माशाल्लाह से बहुत पसंद करता है और बहुत शौक से खाता है। तो मैंने सिंपली थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया था, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप ऑयल भी ले सकते हैं, और उसके अंदर मैंने 2 या 3 क्लव्स जो हैं वो गार्लिक क्लव्स डाल दिए थे, और साथ में मैंने डाला था ओनियन, उनको मैंने शैलो फ्राई कर लिया, और उसके अंदर मैं ये पोमी की टमाटो सॉस यूज़ करती हूँ। आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी टमाटो सॉस यूज़ कर सकते हैं, इवन कि आप टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। पानी के अंदर टमाटर को बॉयल कर लें, उनका जो छिलका है वो उतार के साइड पे करके उसे ब्लेंड कर लें, या उसे चॉप कर लें, और ब्लेंड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास एट अ टाइम टमाटो सॉस नहीं है। इसके बाद मैंने 1 टीस्पून के नज़दीक इसके में मैंने टमाटो पेस्ट डाली है। मैं यहाँ बताती चलूँ कि टमाटो पेस्ट और टमाटो सॉस में फ़र्क होता है, और उसके साथ मैंने थोड़ा सा पानी डाला है।
इसको मैं हिलाऊंगी अच्छे तरीके से, इसे मिक्स करूंगी ताकि टोमाटो सॉस और टोमाटो पेस्ट जो है वो अच्छी सी यकजान हो जाए, और इन्हें थोड़ा सा पकाऊंगी। और उसके बाद मैं सॉल्ट डालूंगी, पेपर डालूंगी और मिक्स हर्ब्स डालूंगी, और उसके साथ मैं इसमें डालूंगी पेपरिका और थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। बस ये टोटली चीज़ें इसके अंदर जाती हैं। अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से आप और भी चीज़ें डाल सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है, लेकिन इस रेसिपी में XYZ यही चीज़ें जाती हैं। अगर आप कीमे के साथ स्पैगेटी बनाना चाहते हो तो आप इसी टाइम के अंदर जब मैंने ओनियन को और गार्लिक को शैलो फ्राई किया है, आप अगर मीट बॉल्स के साथ नहीं बनाना चाहते तो आप उसके साथ अपना जो मिन्स है वो ऐड कर दें, और मिन्स को ओनियन के साथ यकजान करें और अच्छे तरीके से उसे भून लें कीमे को, और उसके बाद उसमें सॉसेस डालें और फिर स्पैगेटी डाल दें। और अगर आप मीट बॉल्स के साथ बना रहे हैं तो आप इस तरह सॉस को रेडी करेंगे, और सॉस को रेडी करने के बाद आप इसके अंदर स्पैगेटी को मिलाएं, और उसके बाद आप चाहें तो मीट बॉल्स को सेपरेट भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मीट बॉल्स को इसके अंदर भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैं समटाइम मीट बॉल्स को सेपरेट रख लेती हूँ डेकोरेट करने के लिए, या समटाइम मैं मीट बॉल्स को इसके अंदर ही डाल देती हूँ। अंदर डालने से ये होता है कि मीट बॉल्स भी सॉस में बिल्कुल घुल जाते हैं, और मीट बॉल्स के अंदर जो सारी टमाटो सॉस है वो मिक्स हो जाती है, और वो खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये है स्पेगेटी मीट बॉल्स की रेसिपी, एक हेल्थी रेसिपी है, मज़े की रेसिपी है, तो लाजिम ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप में से बहुत सारे लोगों को आती भी होगी, हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता होगा, लेकिन शेयर करने का पर्पस ये है कि आपको ये बताया जाए कि हम किस तरह से खाते हैं। तो अभी मैंने मीट बॉल्स और स्पेगेटी मिक्स कर दी थी, और यह मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने इसमें चिकन स्टॉक भी डाला था, हाफ मैंने चिकन स्टॉक इसके अंदर डाला था। तो ये XYZ सारी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाते हैं, और मज़ेदार सी मीट बॉल स्पैगेटी रेडी हो जाती है आपके लंच या डिनर के लिए। अभी मैंने इसे 5 to 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम पे रख दिया था, और उस पे के बाद मैंने इसे निकाला, और अभी ये मैं प्लेट रेडी कर रही हूँ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, और उसके बाद बेटे के लिए भी प्लेट रेडी करूँगी। तो ये थी मीट बॉल स्पैगेटी की रेसिपी, लाजिम ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर आप इसके साथ स्पैगेटी नहीं बनाना चाहते तो आप पास्ता भी ट्राई कर सकते हैं इसी तरीके से, पास्ता भी अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। और समटाइम दिल करता है डिनर में कि हम लोग सालन ना बनाए, रोटी ना बनाए, हमारा दिल करता है कि कुछ इजी पिजी सा हो जो जल्दी बन जाए और हम उसे खा लें। तो इस तरह की जो छोटी छोटी रेसिपीज होती है उससे यह है कि एक तो हमारा पेट भी फुल हो जाता है, और ऊपर से हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता। जैसा कि आजकल विंटर है और हम लोगों को बिला वजह की सुस्ती पड़ी रहती है, आई डोंट नो क्या रीज़न है, मुझे तो समझ नहीं लगता कि विंटर में हम लोग इतना लेजी क्यों हो जाते हैं। इवन कि समर में इतना लेजी नहीं होते, जैसा कि अभी आज की बात है, लास्ट नाइट जो थी वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग थी, बहुत लंबी थी, और न्यूज़ में भी आया था कि लास्ट नाइट जो थी वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है। आप यकीन करें, मैं कोई 4 दफ़ा रात में उठ पैकेट मैं अपने बेटे के साथ ये पॉपिंग कर रही थी। ये ग्रोसरी से मिलती है, हमारे घर के नज़दीक ग्रोसरी है, तो बेटा जब भी अपने
पापा के साथ जाता है तो लेकर आ जाता है और इसके साथ फिर इंजॉय करता है। यहाँ पे बच्चों की बस यही एक्टिविटीज़ होती हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चे बाहर आजकल नहीं निकल सकते, पहले तो कोविड की वजह से नहीं निकल सकते थे और अभी वैसे भी नहीं निकल सकते। बच्चे जाएँ तो जाएँ कहाँ पर, तो कोई ऐसा जितनी मसरूफियत नहीं है, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें लाती रहती हूँ जिससे मैं अपने बेटे को बिज़ी रखूँ। क्योंकि मेरा कुछ प्लान है फेब मार्च में इंशाल्लाह ताला से अपने बेटे के लिए कि मैं उसे किसी चीज़ में बिज़ी कर दूँ, क्योंकि पिछले एक साल से बच्चे घर में रह के टोटली फेडअप हो गया। और अभी किसी भी जगह पे जाओ तो फिर भी बच्चे अलाउ नहीं होते, तो अगर अगले साल भी स्कूल नहीं खुलते तो कुछ वेरी गुड वेरी गुड। This is my turn. I will also throw these patakas. At the same time, we will throw it down. Yes. Finish. अभी यहाँ पे enjoy करो. Come. यहाँ पे. नहीं. Okay. ऊपर से फेंको. Chair के ऊपर से फेंको नीचे. आराम से. तो बेटे के साथ पॉपिंग करके फारिग होके मैं यहाँ पे आ गई थी अपने कपड़ों को डालने के लिए, और मेरी बैल्कनी बहुत ही ज़्यादा गंदी हुई थी। आई डोंट नो, मैं साफ़ भी करती हूँ लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन बैल्कनी इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े जो है वो सोकिंग करने के लिए डाल दिए थे जो सारे धुल गए थे, और यहाँ पे माशाल्लाह से इस वक्त बाहर का व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। लाइट्स ऑन होती हैं और ये इंडिपेंडेंस डे की लाइट्स हैं जो अभी तक, इनके नेशनल डे की लाइट्स हैं जो अभी तक नहीं उतरी हमारे घर के सामने से, तो नहीं उतरी। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा डेकोरेशन यहीं पे हुई हुई है, अदरवाइज़ दुबई जाएँ तो कोई इतनी डेकोरेशन नहीं थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।